हेलो क्लास 9। आज हम सेशन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग पेजेस, स्पेल चेक एंड ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़। अभी तक हमने देखा था कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डाल रहे हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग हमने देखी, उनके अलाइनमेंट्स देखे, इंडेंटेशंस, ये सारी चीज़ें देखी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में आप टाइपिंग करके टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो आप जो टाइप करके जो टेक्स्ट डालते हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो आपके, हो सकता है कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक कभी हो जाए या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए। तो आपके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक ना हो इसके लिए वर्ड का ये फीचर यूज़ किया जाता है, स्पेल एंड ग्रामर चेक, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही एरर फ्री रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस सेशन यू लर्न हाउ टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इन राइटर। आपको पता है कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे टाइप करना है, कैसे एडिट करना है, फॉर्मेट करना है राइटर में। वाइल टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट्स यू मे हैव कमिटेड सम टाइपोग्राफिकल एंड ग्रामेटिकल एरर्स। मतलब आप टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग के साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, कि या कोई टाइपिंग मिस्टेक आपसे है या फिर कहीं सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहीं हो रही है। टू रेक्टिफाई सच एरर्स you would want a tool that help you figure out the spelling mistakes or grammatical mistakes. Writer offers spell check utility for this. तो राइटर के पास में या वर्ड के पास में यहाँ पे एक यूटिलिटी दी गई है जिसको स्पेल एंड ग्रामर चेक कहा जाता है, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही एररलेस हो जाता है। सिमिलरली यू मे वॉन्ट देयर शुड बी टूल दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द मोस्ट कॉमन वर्ड्स सॉरी मोस्ट कॉमन एरर्स। ऑटो करेक्ट एंड ऑटोमेटिक एक्सपांशन ऑफ कॉमन एब्रीविएशंस, मतलब कि कुछ मिस्टेक्स है आपके डॉक्यूमेंट में तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, या फिर कुछ वर्ड के एब्रीविएशंस है तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक्सपांशन हो जाए। एंड कॉमनली यूज टेक्स्ट फ्रेजेस ऑटो टेक्स्ट, कुछ ऑटो टेक्स्ट भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आते हैं। राइटर प्रोवाइड्स ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट फॉर दिस। तो राइटर के पास में ये दो फीचर्स है, कौन से ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट। ग्रामर एंड स्पेल चेक अलॉन्ग विद ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट लेट यू हाउसकीप योर डॉक्यूमेंट दैट इज क्लीनिंग ऑफ अनवांटेड एरर्स, जिससे कि कोई आपके डॉक्यूमेंट में एरर नहीं रहेगा ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट से। दिस सेशन अलॉन्ग विद दिस विल ऑल्सो कवर पेज फॉर्मेटिंग एंड इंसर्टिंग हेडर्स एंड फूटर्स इन द डॉक्यूमेंट। हेडर्स एंड फूटर्स भी साथ साथ में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी बात करेंगे हम यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक। यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक आपका फ्यूचर क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना रहे। स्पेलिंग चेकिंग एंड मेकिंग करेक्शंस आर वेरी यूजफुल फीचर ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। दिस फीचर्स हेल्प द यूजर इन अ बिग वे टू प्रोड्यूस एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स। इस फीचर के साथ में आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ही एरर फ्री रहेगा। स्पेलिंग चेकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनली अवेलेबल डिक्शनरी। ये किसके सहायता से होता है स्पेलिंग चेकिंग? तो इसके सिस्टम के अंदर एक डिक्शनरी इंस्टॉल्ड होती है, उस डिक्शनरी से ये वर्ड्स को मैच करता है और ये एरर, अगर एरर है तो ये एरर आपको शो करता है, फिर कुछ सजेशन भी देता है। उस सजेशन से हम क्या करते हैं, हमारे जो मिस्टेक है उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। कई बार होता है कि कुछ डिक्शनरी में वर्ड ऐड नहीं होते तो हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन का नेम है वो इस डिक्शनरी में नहीं होंगे, जैसे इंडियन नेम्स इंग्लिश के डिक्शनरी में नहीं होते हैं, तो उन नेम के नीचे भी वो कई बार जो डॉक्यूमेंट है वो एरर दिखाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये कुछ इंडियन नेम्स होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं डिक्शनरी में। Which can be used to store words not available in the internal dictionary, such as the name of person and cities, technical terms and the other custom words. तो कुछ words ऐसे होते हैं जो उनके dictionary में नहीं होते, वो हमें क्या करना होता है, dictionary में add करने होते हैं। राइटर प्रोवाइड्स टू वे टू चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। दो तरीके से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं, कौन से? इफ ऑटो स्पेल चेक इज एक्टिवेटेड, अगर ऑटो स्पेल चेक आपका एक्टिवेट है तो एज यू टाइप अ राइटर विल ऑटोमेटिकली चेक योर डॉक्यूमेंट एंड अंडरलाइन पॉसिबल स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। तो अगर आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है ये फीचर, तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है या चाहे कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो चेक करता है और उसके नीचे अंडरलाइन शो करता है।
टू करेक्ट एन एरर डिस्प्ले और शॉर्टकट मेनू एंड देन सिलेक्ट द करेक्शन यू वॉन्ट. आपको अगर उसमें कोई मिस्टेक है, अंडरलाइन आई है, मतलब मिस्टेक है, तो आप क्या करोगे, उस वर्ड पे जाके राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने से आपके सामने क्या आता है, एक शॉर्टकट ये मेनू आता है, पॉपअप मेनू आता है. उसमें आपको सजेशंस दिए होते हैं कि योर स्पेलिंग मे बी दिस, योर स्पेलिंग मे बी दिस, तो आपको जो सही करेक्ट स्पेलिंग लग रही है आप उसको सिलेक्ट करते हैं, सजेशन आप एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट है, वेन यू फिनिश क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव राइट अ सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स. वेन राइटर फाइंड्स अ पॉसिबल एरर्स यू कैन करेक्ट इट एंड देन कंटिन्यू द चेक. फिर उसके बाद में आप चेकिंग के लिए डालोगे. दिस कैन बी डन आइदर थ्रू द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन ऑफ द टूल्स मेनू. ये आप कहाँ से लोगे, टूल्स मेनू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन आपको मिलेगा, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे ये आइकॉन आपको दिख रहा है, इस तरीके का आइकॉन आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलेगा, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा, है ना. नेक्स्ट, टू चेक स्पेलिंग ऑटोमेटिकली एज यू टाइप टू द फॉलोइंग. अगर ऑटोमेटिकली आपको चेकिंग के लिए डालना, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेल चेक बाय क्लिकिंग टू ऑटो स्पेल चेक आइकॉन. ये ऑटो स्पेल चेक आइकॉन आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलेगा, वहां से आपको इसको क्लिक करना है. दैट मीन्स कि आपका स्पेल एंड ग्रामर चेक ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो गया है. देन राइट क्लिक द वर्ड विद रेड वेवी अंडरलाइन. अब डॉक्यूमेंट में जिस वर्ड के पास में, जिस वर्ड में आपका कुछ मिस्टेक होगा, उसमें ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ जाती है. ये देखिए आप, ये दिस इज टू चेक द डॉक्यूमेंट. यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वेवी अंडरलाइन आ रही है, रेड वेवी अंडरलाइन आ रही है. मतलब कि रेड वेवी अंडरलाइन आने का मतलब है कि आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है. तो आप राइट क्लिक करेंगे इस वर्ड पे. आपने राइट क्लिक किया तो ये देखिए आपको ये शॉर्टकट मेनू आया है. अब ये देखिए आपको स्पेलिंग करेक्ट करके दिखा रहा है कि आपकी स्पेलिंग ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ऐसे करके. यहाँ पे ऑटो करेक्ट में भी जाके आप डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, है ना. तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे करेक्ट वाला वर्ड. सो राइट, तो नेक्स्ट ऑप्शन वही है आपका, राइट क्लिक अ वर्ड विद रेड वेवी अंडरलाइन, रेड वेवी अंडरलाइन, एंड देन चूज अ सजेस्टेड रिप्लेसमेंट. अब यहाँ पर रेड वेवी अंडरलाइन क्यों आई है, बिकॉज ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है. अगर कोई आपके सेंटेंस में, आपके वर्ड में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है, तो ग्रीन वेवी अंडरलाइन आती है, ध्यान रखना, ग्रीन वेवी अंडरलाइन आती है. स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड वेवी अंडरलाइन आती है, है ना. रिप्लेसमेंट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, द फ्रॉम और फ्रॉम द ऑटो करेक्ट सब मेनू. ऑटो करेक्ट सब मेनू से आपको लेना है. इफ यू चूज अ वर्ड फ्रॉम द ऑटो करेक्ट सब मेनू, अगर आपने ऑटो करेक्ट सब मेनू से चूज किया वर्ड को, द अंडरलाइन वर्ड, द रिप्लेसमेंट वर्ड आर ऑटोमेटिकली एडेड टू द ऑटो करेक्ट लिस्ट द करेंट, द करेंट लैंग्वेज. अगर ऑटो करेक्ट, फिर ही क्या होगा, अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया ना, तो ऑटो करेक्ट में ऑटोमेटिकली ये वर्ड इसके ऑटो करेक्ट के लिस्ट में ये वर्ड आपका एड हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो एड द अंडरलाइन वर्ड टू योर कस्टम डिक्शनरी बाई चूजिंग एड ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू शोन हियर. अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वर्ड आपका करेक्ट है, ये सही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हो. देखिए आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सिंपली राइट क्लिक करके मेन पॉपअप मेनू आएगा, तो सिर्फ ऐड करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, आपके कस्टम डिक्शनरी में ये जो वर्ड है वो ऐड हो जाएगा. अभी हम देखेंगे चेकिंग स्पेलिंग मैनुअली. मैनुअली स्पेलिंग को कैसे चेक करना है. मैनुअली स्पेलिंग को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट और सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेक. सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो आपको चेक करना है. उसके बाद में टूल्स मेनू में जाएंगे आप, टूल्स मेनू में स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद क्या होगा कि वेन अ पॉसिबल स्पेलिंग एरर इज एनकाउंटर्ड, जहाँ पे एरर होगा वो क्या करेगा, स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स ओपन, स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और कुछ सजेशन के साथ में वो आपको दिखाएगा कि कहाँ पे आपका रॉन्ग है, और उसके सजेशन वो आपको शो करेगा इस डायलॉग बॉक्स के अंदर. तो उनमें से आपको क्या करना है, डू वन ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी है उस डायलॉग बॉक्स में. टू एक्सेप्ट द करेक्शन, क्लिक द सजेशन एंड क्लिक द चेंज. तो आपको सजेशन पे जाना है और एक्सेप्ट कर लेना है, चेंज कर लेना है उसको. नाउ यू कैन ऑल्सो एडिट द सेंटेंस इन अपर टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक द चेंज टू एक्सेप्ट दिस एडिटिंग, ये भी आप कर सकते हो. या फिर टू ऐड द अननोन वर्ड टू यूजर डिफाइंड डिक्शनरी एंड क्लिक द ऐड, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो.
यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए स्पेल एंड ग्रामर का, आप टूल्स मेनू में गए, टूल्स मेनू में जाके स्पेल एंड ग्रामर, स्पेल एंड ग्रामर में ये देखिए डायलॉग बॉक्स आया है और डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग आपका रॉन्ग था यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये नॉट इन डिक्शनरी ये वर्ड आपको दिखा रहा है ना। सजेशन है यहाँ पे, सजेशन दे रखे हैं, फिर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। उसके बाद में ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपका स्पेल चेक जो यूटिलिटी है अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि वो जो डिक्शनरी होती है जिसमें जो सारे वर्ड्स होते हैं वो अगर इंस्टॉल्ड ही नहीं है, आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो भी लैंग्वेज आप टाइपिंग में वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइपिंग में आप यूज़ कर रहे हो और वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो वो क्या करता है, स्पेल एंड ग्रामर चेक आपको वर्क ही नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है वो हम देखेंगे। व्हाट इफ स्पेल चेक डज नॉट वर्क एट ऑल, अगर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, सिंपल डोंट पैनिक, डू एंड डू व्हाट इज रिटन बिलो। समटाइम्स स्पेल चेक डज नॉट वर्क इफ द डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर द डॉक्यूमेंट, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो लैंग्वेज है वो आपकी इंस्टॉल नहीं है, डज नॉट हैव इंस्टॉल डिक्शनरी, उसकी डिक्शनरी इंस्टॉल नहीं है। फॉर इंस्टेंस फॉर इंग्लिश इंडिया डिक्शनरी इज नॉट इंस्टॉल्ड, सो यू आर डिफॉल्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश इंडिया एंड यू मे वॉन्ट दैट स्पेल चेक इज नॉट वर्किंग। तो सो टू गेट द स्पेल चेक डन ऑल यू नीड टू डू द चेंज लैंग्वेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अ लैंग्वेज फॉर विच डिक्शनरी इज इंस्टॉल्ड, कौन सी डिक्शनरी इंस्टॉल। तो आपको कैसे करना है, आप सिंपल ये वाला ऑप्शन बता रही हूँ आपको, टूल्स मेनू में जाके ऑप्शन लेना, ऑप्शन में जाके आपको लैंग्वेज सेटिंग करनी है, ये आपको दिख रहा है। टूल्स मेनू में ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑप्शन का ये डायलॉग बॉक्स आया आपके सामने, ये देखिए ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आया, ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में से आपने क्या चूज़ किया, फिर ये लैंग्वेज सेटिंग में गए, लैंग्वेज सेटिंग में लैंग्वेजेस लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज सेटिंग में लैंग्वेजेस लेने के बाद में आपने क्या करना है, ये वेस्टर्न दिख रहा होगा, डिफॉल्ट लैंग्वेजेस फॉर द डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लेना है, वेस्टर्न लेना है। अब वेस्टर्न में आपको यहाँ पे दिख रहा है इंग्लिश इंडिया में से आपको कौन सी, इंग्लिश यूके की लेनी है, इंग्लिश यूएसए की लेनी है या इंग्लिश साउथ अफ्रीका के लेने, तो आपको जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो डिक्शनरी वो इंस्टॉल मतलब वर्क करने लगेगा, आपका जो स्पेल एंड ग्रामर चेक फीचर है वो वर्ड का वर्क करेगा।